रेवाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दवलामेटी गणेश नगर में सोमवार को सुबह 9:40 पर करंट लगने से 5 भैंसों की जगह पर ही मौत हुई है। वहीं रविवार को देवीदास नेवारे की भी एक भैंस बिजली के डीपी के पास हेटी दवलामेटी में करंट लगने से मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दवलामेटी हेटी निवासी किसान कमलाकर मिराजी घटी उम्र 59 इनकी भैंसें बताई गई। इनके पास 8 भैंसें थी जिसमें से 5 की मौत होने से अब 3 ही भैंसें बची हैं। 5 भैंसें दूध देने वाली थी। करीब 3,35,000 का नुकसान हुआ है। किसान कमलाकर घटी ने बताया कि हमेशा की तरह सुबह 9 बजे घर से 8 भैंसों को चराने छोड़ा था। 9:40 पर 5 भैंसे बिजली की करंट से मौत हुई है। साईनाथ फार्मेसी के पास सड़क से सटे 11 केवी वोल्ट के बिजली तार के पोल गए हैं। पोल से इंसुलेट टूटने से एक तार पोल को टच हो गया। पोल के माध्यम से जमीन पर करंट का सप्लाई हुआ। 5 भैंसे करंट की चपेट में आई और मौत हुई। सुबह का समय होने से सड़क से कोई नहीं गुजरने से मनुष्य जनहानि टली। बाजू में ही साई फार्मेसी स्कूल है। स्कूल का पहला दिन होने से बच्चे स्कूल के अंदर थे। यदि स्कूल छूटते समय हादसा होता तो बड़ी दुर्घटना होती। घटना की जानकारी मिलते ही वाड़ी थाने की PI ललिता तोड़ा से API गणेश फूलकवर तहसीलदार के आदेश पर तलाटी संकेत P बाम्बोले पशु वैद्यकीय पर्यवेक्षक वर्षा लहाने घटना स्थल पर पहुंचे। 5 भैंसों का पंचनामा किया। भैंसों का PM करने का मामला देर तक लड़खड़ाता रहा। कुछ देर तक PM को लेकर अधिकारी एक मेक में जिम्मेदारी सौंप रहे थे। पशु वैद्यकीय अधिकारी केवल PM करते हैं लेकिन उनका खर्चा नहीं करते। खर्चा को लेकर पुलिस और पशु वैद्यकीय अधिकारी में एकमत नहीं था। तब महावितरण ने PM के लिए 10,000 रुपए देने के बाद PM का रास्ता साफ हुआ। 5ों को PM के लिए भेजा गया। खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। मामला दर्ज होने का था। बिजली करंट से भैंसों की मौत हुई है। मौका चौकसी के बाद जांच होगी। उसके बाद किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। घटनास्थल का अहवाल तहसील कार्यालय को भेजा जाएगा। फिर यहां से बिजली विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तहसील नहीं बिजली महामंडल ने मुआवजा देना चाहिए। हम PM करते हैं लेकिन जानवरों को ले जाना और मोची का खर्चा हम नहीं कर सकते। खर्चा मिलने के बाद PM करेंगे। महावितरण की ओर से किसान को मुआवजा मिलेगा। इंसुलेट टूट जाने से 11 केवी का तार पोल को टच होने से पोल में करंट आया। जमीन में करंट आने से भैंस चपेट में आई। महावितरण इंस्पेक्टर के जांच के बाद किसान को मुआवजा मिलेगा। PM करने 10,000 रुपए भैंसों के मालक को दिए गए। आज चाइना फार्मेसी एंड कॉन्वेंट इला लागून एक फार दुखद एक दुग्ध व्यवसायावर दुखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। त्यांच्याकडचे 11 केवीच्या या विजेच्या झटक्यांनी त्यांचे 5 जनावर या ठिकाणी दगावलेले आहे व त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे। तरी मी दवलामिटी चे कमलाकरजी घटी यांचे ते जनावर आहे। आज त्यांचा व्यवसाय बंद झाला समजा, कारण सगळ्या दूध देणाऱ्या म्हशी होत्या आणि त्या म्हशीच्या भरोशावर त्यांची उपजीविका चालत होती। माझी शासनाला प्रशासनाला विनंती आहे की त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळून त्यांची नुकसान भरपाई मिळावी असं मी विनंती करतो। यांचे 5 जनावर दौलामेटी या परिसरामध्ये दगावलेले आहे। आज जनावर दगावले हे गोष्ट तर तिथपर्यंत ठीक आहे की आज एका शेतकऱ्यावर एक दुग्ध व्यवसायावर आज जसं दुखाचं डोंगर कोसळलेलं आहे। त्यांचा दुग्ध व्यवसाय या त्याची जीविका या दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून होती। त्यांचा पूर्ण व्यवसायाच्यामुळे ठप्प झाला आहे। त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे। तिथपर्यंत तर ठीक आहे, परंतु त्याच बाजूला साईनाथ कॉन्व्हेंट आहे। आज 9:40 ही घटना घडली आणि 10 ते 10:15 सुमारास याच जागून दररोज 100 ते 150 कॉन्व्हेंटचे लहान लहान मुले या रस्त्यावरून रहदारी करतात। आज त्यावेळेस त्या म्हशीच्या मागे एक व्यक्ती पण होता। जसे मला सांगितल्याप्रमाणे हे जनावर ज्यावेळेस दगावले तो व्यक्ती पण त्यावेळेस त्याचा जीव वाचला। मी सकाळी 9 म्हशी सोडल्या, ते इथपर्यंत आल्या। 9:30 घटना आहे। घरी गेलो, आपला दुधाचा व्यवसाय बनवून काही वेळानंतर म्हशी होत्या। 8 म्हशी मधून
पाच मरण पावल्या, तीन चा माणूस संडासला आला, तो जसा म्हशी पडला तसाच मागं सरकून शिन्यान तीन म्हशीचा हटवून दिल्या, म्हणून त्या तीन म्हशी वाचल्या, पाच मरण पावले. सरकारकडून मागणी आहे का माझ्या म्हशीची भरपावती द्या. वाडी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट.